टीवीएस जो ऑटोमोबाइल है, जो टू व्हीलर जो बनाते हैं, और आजकल ना केवल वो बाइक और स्कूटर बनाते हैं, इसके साथ में इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट है उसके अंदर भी जो है वो टीवीएस ग्रुप आ चुका है। अभी हम लोग सिरसी रोड के ऊपर, मेन सिरसी रोड के ऊपर बीआर मोटर्स जो कि टीवीएस के जो हैं डीलर हैं वहाँ पर आए हुए हैं, और मेन रोड पे एक शोरूम है। बहुत बढ़िया। तो आपसे बातचीत चल रही थी कि कभी एक बार मिलना है इनसे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो एक संयोग ऐसा है कि अभी जब मैं इनके यहाँ पर शोरूम पर आया हूँ तो यहाँ एक कस्टमर जो है वो एक टीवीएस स्पोर्ट्स की एक बाइक जो है उसकी डिलीवरी लेने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आपको ये मान के चलें कि टीवीएस के अंदर जो स्पोर्ट्स बाइक है उसके बारे में आपको थोड़े कुछ फीचर्स बताने वाले हैं, और फिर जो कस्टमर हमारे जो उत्कर्ष जी जो है वो जो डिलीवरी लेने वाले हैं वो क्यों लेने वाले हैं इस वाली गाड़ी की, उसकी हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो आप अपना नाम बताएं और यहाँ आप क्या देखते हैं। बिल्कुल, मैं फैजल हूँ और मैं यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, और यहाँ पर मैं जो है कस्टमर को गाड़ी दिखाता हूँ, उन्हें पसंद कराता हूँ, जो भी डीलिंग होती है उसे फिक्स करके गाड़ी उन्हें डिलीवर करता हूँ। बहुत बढ़िया फैजल जी, अभी हम लोग बहुत शॉर्ट में ये बात करेंगे कि जो टीवीएस स्पोर्ट्स की जो बाइक है जिसका बहुत नाम भी है, उस बाइक के हम लोग जिसको देख रहे हैं अभी, इसके कुछ फीचर आप बताएं कि हमारे जो व्यूवर हैं उनको पता चले कि टीवीएस स्पोर्ट्स जो बाइक है उसके फीचर क्या क्या हैं, बताएं आप। सर देखिए, अपनी जो ये टीवीएस स्पोर्ट बाइक जो आ रही है ये एक 110 सीसी के अंदर आने वाली बाइक है, और इसका क्या है, अपन को एशिया बुक रिकॉर्ड भी मिला हुआ है, जैसे अपना गिनीज बुक रिकॉर्ड होता है, लिम्का बुक होता है, इसे एक एशिया बुक रिकॉर्ड है जिसमें एवरेज का है 110 सीसी का गाड़ी है, और 110 का इसने एवरेज क्लेम किया हुआ है ट्रैक पर। 110 सीसी में 110 का एवरेज दे रही है, ये अपन को एशिया बुक रिकॉर्ड मिला हुआ है गाड़ी का। इसके अलावा जो अपना कस्टमर फीडबैक भी देखे ना, तो आराम से आपको 75 से 90 का एवरेज आराम से दे थी गाड़ी, सीटी एंड आप आउट जो चलाओगे गाड़ी। बाकी गाड़ी के अंदर जो फीचर्स भी देखे ना अपन, तो ये इसका जो इंजन आता है 110 सीसी में ड्यूरा लाइफ इंजन है, जो आपको लो मेंटेनेंस पे और लॉन्ग टाइम तक चलने वाला इंजन है, मतलब सर्विस के जो आपका खर्चा है वो भी कम बचाएगा आपको, और लंबे टाइम तक चलेगी भी गाड़ी आपके। इसके अलावा गाड़ी की जो लुकिंग है वो पूरी स्पोर्टी बाइक जैसी है, जैसे क्या आज के टाइम अगर अपन देखे तो गाड़ी होती है ना सब एकदम नॉर्मल, फ्रंट पे जो कटआउट होता है ना एकदम सिंपल सा होता है, लेकिन इसके ऊपर पूरा एक स्पोर्टी बाइक वाला लुक है। पूरा तो लुकिंग आपको पहले से स्पोर्ट बाइक जैसी मिल जाती है, और इसके अलावा जो फीचर जैसे सेल्फ स्टार्ट है, किक स्टार्ट है, इसके अंदर आपको यहाँ पे 3D लोगोस मिलते हैं टैंक के ऊपर, और इसके अलावा एडजस्टेबल शॉकर है आगे पीछे, पीछे का जो है इसमें 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉकर है, आगे में भी है जो है टेलीस्कोपिक शॉकर है, बड़ा हेडलैम्प मिलता है आपको गाड़ी के अंदर, सीट भी जो है इसकी अच्छी गोल्ड टोन कलर की सीट आती है यहाँ पर। कैमरे में साफ पास में से दिखाएं हम थोड़ा सा यूएसपी, कोई एक दो यूएसपी आपसे जानना चाहेंगे, कोई एक दो पॉइंट जो कि ये कहें कि इसका नाम स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को कैसे आप इसको कोरिलेट करेंगे कि भाई स्पोर्ट्स बाइक है तो स्पोर्ट्स में क्या चीज़ है इसमें। सर देखिए, स्पोर्ट जो इसका नाम है ना वो उसके लुकिंग के ऊपर गया है, मतलब अभी जो भी गाड़ी चल रही ना मार्केट में, एक तो उनके आप नाम तो अच्छे सबके और गाड़ी भी अच्छी, लेकिन एक जो लुकिंग होती है ना सर उस लुकिंग के ऊपर, जैसे एक तो नॉर्मल कटआउट वाली एकदम नॉर्मल सा जो है आपका टैंक रहता है, कोई डिजाइन नहीं टैंक के ऊपर, सीट भी एकदम नॉर्मल सी, इसकी जैसे सीट जैसे उठती हुई सीट है, तो जो आज की जो स्पोर्ट बाइक आती है ना उसमें क्या होता है कि आगे का आपका मास्क पूरा स्पोर्टी होता है, और जो टैंक होता है उसके ऊपर भी थोड़ा सा कटआउट होते हैं, सीट भी जो होती है थोड़ी पीछे से उठी हुई होती है, तो वो सब लुकिंग जो होती है ना वो स्पोर्टी बाइक के अंदर ही आती है। तो इसी को देख के कंपनी ने क्या किया कि अपनी जो 110 सीसी की जो उनके सेगमेंट वाली गाड़ी, इसके अंदर एक स्पोर्टी लुक के अंदर बाइक दे दी कि कस्टमर को लुकिंग भी स्पोर्टी वाली मिले और गाड़ी जो चले ना तो एवरेज भी मिल जाए उसमें, तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कस्टमर को अपने कंपनी प्रोवाइड कर जी। क्या ऐसा मान लें कि स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोई स्पेशलिस्ट के को चलने में कोई ऐसी फीचर हो जो महसूस होता हो अगर एक नॉर्मल बाइक से? देखिए सर, चलने में अपनी गाड़ी जो है स्पोर्ट अच्छी कंफर्टेबल वाली गाड़ी है, क्योंकि शॉकर जो है गाड़ी में आगे में टेलीस्कोपिक शॉकर है, जो आपको आगे जैसे अचानक से खड्डे भी आएंगे ना तो आपके हैंडल पे जो हाथ, हैंडल के हाथ पे यहाँ कंधों पे जोर नहीं पड़ेगा। दूसरा पीछे एडजस्टेबल शॉकर है, 5-स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हो, आप सिंगल चलाते हो तो आप उसको हार्ड करके रख सकते हो, आपके पीछे कोई सवारी आप किसी के साथ फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप उसको पीछे सॉफ्ट कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो एलेंकी से, आपको ना किसी सर्विस मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, आपके पास घर में अगर एलेंकी तो आप एलेंकी से 5-स्टेप तक आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये, और फिर चल रही है तो एवरेज ज़्यादा मिलता है आपको, आप लॉन्ग रूट भी लंबे लॉन्ग रूट में निकल गए, इंजन बड़ा है तो आप लंबे रूट पे भी निकलो, लंबे रूट पे फिर आपको एवरेज भी ज़्यादा मिलेगा, मतलब तो आपको बार बार पेट्रोल डालाने वाली जो समस्या है वो नहीं रहेगी, ज़्यादा एवरेज मिलेगा। एक नॉर्मल कितने लीटर का टैंक है ये? इसका 10 लीटर का टैंक है सर, 10 लीटर का टैंक है गाड़ी में आपको। बहुत बढ़िया साहब, मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो है स्पोर्ट्स की जो बाइक है ये रोड के लिए एक बहुत कम्फर्ट मुझे लगता है कि है,
और अभी हमारे पास में एक उत्कर्ष जी जो है वो खड़े हैं, जिन्होंने अभी बाइक जो है इनकी गाड़ी बाहर डिलीवरी के लिए है। हम थोड़ा जानना चाहेंगे उत्कर्ष जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कि आपने ये स्पोर्ट्स बाइक जो है टीवीएस की यही चूज क्यों किया? सर मेरा बेसिक पर्पज ये है कि माइलेज मेन, माइलेज और एक ही ड्यूरेबल गाड़ी है, और सबसे मेन है इसका वेट कम। हाँ जी, मतलब हैंडलिंग में थोड़ी अच्छी है और वेट कम है, और माइलेज मेन पर्पज तो माइलेज का रहा है इसका, कि माइलेज अच्छा है और गाड़ियों के मुकाबले, और इस सेगमेंट के अंदर जो इस सेगमेंट में प्राइस में आती है और जो प्राइस में आती है वो इसके मुकाबला नहीं कर पाती। मेन है माइलेज का और दूसरी ड्यूरेबिलिटी सबसे बेस्ट। इस गाड़ी के बारे में आपको किसी ने बताया था या मतलब आप ही वैसे ही आपने बहुत सारे साथ में ग्रुप्स के अंदर चर्चा हुई थी, जो ऐसे नोन ने किसी ने रेफरेंस दी थी मेरे को कि हाँ वो बाइक लेनी है यार, मैंने बोला बाइक लेनी है तो बोला कि यार भाई हीरो होंडा की छोड़ के आप टीवीएस की स्पोर्ट्स की, एवरेज में भी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, उस वजह से मैंने सजेस्ट किया था। दोस्तों इनकी जो बाइक है जो अभी बाहर खड़ी है उसको जो है क्या बोलते हैं, सॉरी, क्योंकि जो है इनकी डिलीवरी होने जा रही है गाड़ी की, तो इनकी गाड़ी को ही प्रॉपर जो है, आ जाए उत्कर्ष जी, आए आप दिखाएं इनकी गाड़ी को जो है वो अपन क्या करते हैं कि विजिट कर लेते हैं कि ये गाड़ी जो है वो डिलीवर होने वाली है। तो कैमरामैन साहब से मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा ये बताएं आगे से आके, और इस गाड़ी को जो है आगे जाके और आगे से ये बताएं कि जो है ये वाली गाड़ी जो है वो डिलीवर होने जा रही है ना। तो बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं उत्कर्ष जी, आपको ढेर सारे हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दोस्तों, बने रहे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बटो विजन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो और भी मिलते रहे। धन्यवाद।